नमस्कार दोस्तों, स्वागत है गवर्नमेंट एजुकेशन में। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन देखेंगे जनरल साइंस के, जो जेल पहरी में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैं वीडियो कड़ी हूँ, 7 अपलोड कर चुका हूँ, तो जिन लोगों ने नहीं देखे वो देख सकते हैं इसके बाद। तो चलिए आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जीन उपस्थित होते हैं, तो जीन की बात करें तो ये उपस्थित होते हैं क्रोमोजोम में। क्रोमोजोम की बात करें तो क्रोमोजोम क्या होते हैं? क्रोमोजोम एक ह्यूमन बॉडी में होते हैं प्रेजेंट, जो कि 23 पेयर्स रहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ये भी पूछ लिया जाता है कि पेयर्स कितने रहते हैं, या टोटल की बात करें तो 46 रहते हैं। ओके, क्रोमोजोम, नंबर ऑफ क्रोमोजोम की बात करें, पेयर्स 23। अब 23 में भी थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं, 23 में क्या रहते हैं? 22 जो रहते हैं वो ऑटोसोम रहते हैं, और वन जो रहता है वो क्रोमोसोम रहता है। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है क्रोमोसोम। और एक ह्यूमन बॉडी में अगर मेल की बात करें तो मेल में जो रहता है एक XY, जिसे क्रोमोसोम बोलते हैं। ओके, जो स्पर्म रहता है अपने एक मेल में, वो उसमें XY क्रोमोसोम रहता है। और फीमेल की बात करें तो XX जो रहता है। अब XY और XX क्या रहता है? तो ये XX बन के रहा, एक फीमेल का प्रोड्यूस फीमेल बनती है, और XY तो बात करें तो XY बन के एक मेल प्रोड्यूस होता है। तो अगर मान लो मेल है उसमें XY है और फीमेल में XY होता है, तो अगर यहाँ से X इसमें से और X इसमें से मिलकर बनता है तो एक फीमेल का निर्माण होता है। ओके, और XY का इसमें से लेके नहीं तो वो एक मेल का मेल प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, और कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पिंगुइन का पूछ लिया जाता है, तो पिंगुइन को आपको क्या रखना है? 80 नंबर ऑफ क्रोमोजोम रहते हैं, तो पेयर की बात करें तो जो 40 हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? जब एक सतह पर दूसरे पर फिसल रही हो तो मौजूद घर्षण क्या कहलाता है? कोई भी सतह दूसरी पर फिसल रही है, यानी ये तो एक तरीके से स्टैटिक है ना, और ये वाली फिसल रही है, तो इसे क्या बोलते हैं? डायनेमिक फ्रैक्शन। ओके, तो इसे बोलते हैं गतिज संघर्षण। तो ये आपको याद रखना है। रोलिंग फ्रैक्शन आपको पता ही है, जो रोल करके जाती है कोई वस्तु। ओके, जैसे पौआ पहिया हुआ, तो ये सब जो है ना वो रोलिंग फ्रैक्शन हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पादपों की ग्लानिंग का कारण, ओके, बेल्टिंग ऑफ प्लांट, तो इसका कारण क्या रहता है? जो मोर ट्रांसपरेशन होता है, बास्पोरेशन हो जाता है, उस वजह से ये पादपों की ग्लानि का कारण बनता है। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूरी इज ऑलवेज, दूरी एक बात करें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक की जो दूरी रहती है उसे दूरी बोलते हैं। तो ये क्या रहती है? दो पॉइंटों के मध्य पथ की लंबाई को। सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, वस्तु द्वारा तय दो बिंदुओं के मध्य पथ की लंबाई को बोलते हैं दूरी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मेंढक के वयस्क को कहते हैं? मेंढक जो रहता है एक यंग वन ऑफ द फ्रॉग को बोलते हैं टैडपोल। टैडपोल आपको याद रखना है, काफी नाम सुना होगा, ये पूछा जाता है काफी। तो टैडपोल जो रहता है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा टैडपोल। और कैटरपिलर किसे बोलते हैं? जो कीड़े रहते हैं। ओके, तो जो कीड़े उड़ने वाले होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, जो बरसात के मौसम में बहुत सारे कीड़े केंचुओं की तरह हो जाते हैं, तो उन्हें बोलते हैं कैटरपिलर कीड़े। निम निम की बात करें तो एक तरह से जो वाटर रहता है ना उसमें प्रेजेंट रहते हैं, तो आप एक बोला जाए कि जल परी होती है, जो एक स्पिरिट मैथोलॉजी स्पिरिट होती है, एक नेचुरल इमेजिनेशन जैसे बोलते हैं। तो रिवर हुआ, बर्ड में हुआ, अदर लोकेशन पे ये सब पाई जाती हैं। ओके, और लार्वा क्या होता है? लार्वा एक जो गटर रहता है ना उसमें कीड़े रहते हैं, वो एक लार्वा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से पोषण का कौन सा भाग नहीं है? पोषण जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं उस पर कौन सा भाग नहीं है? उत्सर्जन, एक एस्क्रेशन बोलते हैं जिसे, ऐसे बात करें कि एक एंडोक्राइन एक्सोक्राइन होते हैं, तो जो सेक्रेशन होता है उत्सर्जन होता है,
तो वो इसमें आ जाते हैं, ये भी एक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। अवशोषण, एब्जॉर्ब करना, ये भी जो विटामिन्स हुए न्यूट्रिएंट्स हुए उसको एब्जॉर्ब करते थे, ये भी एक न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। पाचन डाइजेशन भी होता है। बाकी जो फोर्थ ऑप्शन है एसिमिलेशन, ये इसका पार्ट नहीं होता है न्यूट्रिशन का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? निम्न में से कौन सी दाब की इकाई नहीं है? दाब की इकाई नहीं है, ये क्वेश्चन मैं पहले भी यूनिट में एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। ओके, तो देखो बार एक दाब की इकाई होती है पास्कल, जिसे प्रेशर बोलते हैं। तो मोस्टली जो पूछी जाती है दाब की इकाई एग्जामों में पास्कल पूछी जाती है। एटम भी एक तरह से दाब की इकाई है। न्यूटन, न्यूटन किसकी इकाई है? न्यूटन जो है वो फोर्स की इकाई है, तो जो बल लगता है वो न्यूटन की इकाई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, जो न्यूटन, जो दाब की इकाई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि निम्न में से कौन सी समय की इकाई नहीं है? समय, टाइम की बात करें तो चंद्रमास, मंथ, एक तरह से देखा जाए तो ये टाइम की इकाई है। लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष जो रहती है वो एक डिस्टेंस की इकाई होती है, ना कि टाइम की। तो ये आपको याद रखना है, डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस होता है जिसे लाइट ईयर बोलते हैं। तो एक लाइट ईयर की बात करें तो एक लाइट ईयर में क्या रहता है? 9.46 × 10^15 मीटर, इतना एक लाइट ईयर बराबर होता है, इतना मीटर। तो लाइट किसकी? लेंथ की बोलते हैं, तो लेंथ की इकाई है एक तरह से। बाकी माइक्रोसेकेंड, ये टाइम की है। लीप ईयर, ये भी टाइम की है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, जो एक समय की इकाई नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भारत की संकर ग्रस्त जाति है? संकर ग्रस्त, तो जो वाइल्ड आस, जो गधे होते हैं, वो एक तरह से भारतीय वन, इसका आंसर हो जाएगा इंडियन वाइल्ड आस, एक संकर ग्रस्त जाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा चुंबकीय धातु है? चुंबकीय धातु, जो चुम्बक आपने देखा होगा वो किससे? तो लोहे से बनता है चुम्बक, इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो लोहा एक चुंबक ही धातु है। तो लोहा आपने देखी होगी जो कील्स रहती है, अगर वो जमीन में गड़ी हुई है तो उसमें थोड़ा सा चुंबकत्व आ जाता है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि लोहा जो है एक चुंबक धातु है। कॉपर की बात करें तो कॉपर एक, जिसे यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो एक मोस्ट पॉपुलर जो एलिमेंट, एक तरह से मेटल है, तो कॉपर में मोस्टली यही यूज किया जाता है, जो वो इलेक्ट्रिक में, सॉरी इलेक्ट्रिक जो वायर रहते हैं ये उसमें यूज किया जाता है कॉपर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ओके, तो कुछ धातु नमक और हाइड्रोक्साइड के एसिड के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, तो ये बात सही है। ओके, अगला देखते हैं। कुछ धातु पानी, कुछ धातु ऑक्साइड पानी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं जिससे एसिड बनता है, तो ये भी सही है। कुछ धातु की बात करें तो ऐसे जो नॉन मेटल्स रहते हैं ना, वो ऑक्साइड बॉटरिक्स से रिएक्ट करके एसिड का निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं। सभी धातु कार्बोनेट एसिड में नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड से प्रतिक्रिया करते हैं, तो कार्बोनेट जो रिएक्टर होते हैं, एक एसिड होता है, तो वो सबके साथ नमक, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव द सॉल्ट एंड एसिड, तो ये गलत हो जाएगा। जितने भी ऑक्साइड रहते हैं, जो मेटल ऑक्साइड रहते हैं, वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और एसिड प्रोड्यूस करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश के सरल रेखीय संचरण के कारण होती है? रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, तो जो परछाई होती है वो एक रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट होती है, जो सरल रेखीय संरचना के कारण होती है, एक तरह से देखा जाए तो। इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। इंद्रधनुष किससे बनता है? जो लाइट से, लाइट जो रहती है, अगर आप किसी प्रिज्म में से गुजारते हो तो वो एक रेनबो का निर्माण करता है, तो एक प्रिज्म के थ्रू ये होता है। आपने सीडी देखी होगी, एक सीडी जो रहती है कॉम्पैक्ट जिसे बोलते हैं, तो उसमें भी जो, उससे भी एक रेनबो का निर्माण होता है। अगली बात करते हैं परावर्तन, रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है? कोई सतह, तो
तो उस पर कोई भी लाइट जाती है तो रिफ्लेक्ट होके नहीं दूसरी तरफ चली जाती है, इस तरीके से आप देख सकते हो, या खुरदरी सतह है तो यहाँ से लाइट आ रही है तो इधर मुड़ जाएगी, तो एक रिफ्लेक्शन का कारण होता है। ओके, अगली बात करते हैं, कैमरा पिनहोल में व्यतिकरण में प्रतिबिंब बनता है, तो इन्वर्ट इमेज इन पिनहोल कैमरा। ओके, तो ये फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक आदर्श ईंधन है? आदर्श ईंधन की बात करें तो जो मार्स गैस बोल सकते हैं आप, मीथेन बोल सकते हो, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाए, मीथेन है जो है ना वो एक आइडियल फ्यूल है। ओके, आदर्श गैस है ये, तो जो प्राकृतिक गैस होती है ना, वो जो प्राकृतिक गैस होती है जो प्रदूषण पॉल्यूशन नहीं फैलाती, तो उन्हें बोलते हैं एक आदर्श ईंधन, जिसमें नेचुरल गैस आती है जो कि मीथेन भी एक मार्स गैस बोलते हैं जिसे, तो ये भी इसके अंदर आती है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए वैशिष्ट्यों में कौन सा सही है? तो सही है इसमें से कौन सा सही है, ये देखते हैं कि चक्रवात का निर्माण अति उच्च दाब तंत्र और उसके इर्द गिर्द अति उच्च वेग की पवन के घूमने से होता है। तो चक्रवात का निर्माण की बात करें तो एक तरह से चक्रवात जो होता है उसमें जो अंदर रहता है ना, वो एक तरह से जो नीचे जो हाई प्रेशर रहता है ना उसमें कम रहता है एक तरह से देखा जाए तो इसमें जो उच्च दाब ना हो के नहीं उसमें लो प्रेशर रहता है, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रीष्म काल में पवन थल से सागर की ओर बहती हैं। ओके, तो सही बात है, जब ग्रीस यानी जो समर का टाइम होता है एक बात करें तो ये क्या रहता है, विंड जो रहती है ना वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं, तो पवन थल से सागर की ओर चलती हैं, तो जो एक बात करें जो जो लैंड रहता है ना वो वहाँ पे हाई वो लो प्रेशर से रहता है, वो हाई प्रेशर से रहता है, और जो सी रहता है उसका लो प्रेशर हो जाता है समर टाइम में, लेकिन अगर विंटर की बात करें तो इसका उल्टा हो जाता है, तो ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, तो ये सही है, थल से पवन थल से सागर की ओर चलती है ग्रीष्म काल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दहन होता है, दहन की बात करें तो ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जब भी आप किसी चीज को जलाते हो जब तक ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी वहां पे तब तक वो चीज नहीं जलेगी, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। आपने देखा होगा एक मोमबत्ती है, अगर आप उसको जलाते हो और उसके ऊपर एक गिलास से ढक देते हो तो वो बुझ जाती है, क्यों बुझ जाती है, क्योंकि अंदर जो है ना वो ऑक्सीजन की कमी होती जाती है और वो एक तरह से बुझ जाती है, तो एक अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातु की शुद्धिकरण प्रक्रिया में शुद्ध हुई धातु प्राप्त होती है, तो ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है, पिछले वीडियो में मैंने डाला है, तो ये जो रहती है शुद्ध धातु किससे प्राप्त होती है, कैथोड से। ओके, चलिए अगला देखते हैं, अच्छा इस पर साइन साइन कौन कौन सा रहता है, तो कैथोड पर रहता है, तो कैथोड आप ऐसे करो कैनाइन या कैथोड बोलते हैं ना, तो कैनाइन जो रहता है ना इस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, कैथोड पर एनोड पर रहता है नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में क्या आ गया, दो यौगिकों का वर्ण लेखन तकनीक द्वारा पृथक्करण निम्न पर आधारित है, तो दो यौगिक हैं टू कंपाउंड्स बाई क्रोमेटोग्राफी। ओके, टेक्निक इज बेस्ड ऑन, तो ये जो है ना वो अवकलित अवशोषण अधिशोषण पर आधारित होती है, अब ये होती क्या है, डिफरेंशियल एब्जॉर्बेशन, तो इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको, जो एक्सरे रहती है तो एक्सरे का एक एग्जांपल जो है ना वो डिफरेंशियल एब्जॉर्बेशन पर भी रहता है, तो जो एक्सरे रहती है ना कुछ टिश्यूज रहते हैं वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और कुछ जो इमेज जो फॉर्मेशन होती है डिपेंड करती है ना वो डिफरेंशियल एब्जॉर्बेशन पे ही डिपेंड करती है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली बात करते हैं, एक अति तप्त ग्रह दिखाई देता है, तो जब भी कोई ग्रह होता है ना तो इसमें मोस्टली लाल लगाए थे तो कोई भी चीज होती है वो लाल हो जाती है गर्म करने पर, लेकिन लेकिन एक टाइम के बाद अगर उसे ज़्यादा गर्म कर दिया तो वो किससे हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है, जो ब्लू रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है, तो जो एक्सट्रीमली हॉट स्टार वुड अपेयर टू बी ब्लू। और बाकी और ग्रहों के बारे में जान लेते हैं, अर्थ कैसा ग्रह है, अर्थ जो है वो
ब्लू ग्रह है, तो ये भी आपको याद रखना है। और अधिकांश किसे बोलते हैं, तो जो वीनस शुक्र ग्रह है ना उसे भी बोलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, ओके, तो ये सब जो है ना वीनस को बोलते हैं। अच्छा, जुपिटर और मार्स के बीच क्या रहता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉयड बेल्ट रहते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ओके, मार्स और जुपिटर के बीच। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह सूक्ष्म जीव जो कि N2 की स्त्रीगणी करता है, तो N2 की बात करें तो राइजोबियम जो रहता है वो एक फिक्स नाइट्रोजन स्त्रीकरण करता है, ओके, इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एल्कलीज आर जो क्षार जो रहती हैं वो क्या होती है, तो क्षार की बात करें जो ये क्या रहता है, जो वाटर में जो एसिड रहती है ना वो इनसॉल्युबल इन वाटर में रहती है, ओके, जो पानी में अघुलनशील होती हैं, तो ये आपको याद रखना है। एसिड जो पानी में अघुलनशील होते हैं उसे बोलते हैं एल्कलीज, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में और भी क्वेश्चनों के साथ हाजिर होंगे। जो लोग हमारे चैनल पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुछ इस तरह का रेड बटन दिया होगा और बेल आइकन दी हुई उस पर भी क्लिक कर लें, जिससे कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।